हमारे देश की पहचान। और चाहे कश्मीर रहा हो या कल नीलगिरी रहा हो, नीलगिरी में भी हाथ जोड़े करबद्ध लोग खड़े थे, वीर वणक्कम लगातार कह रहे थे, वीर वणक्कम कि आप वीर हैं, हम आपको अपना सम्मान दे रहे हैं, आपको सल्यूट कर रहे हैं। आंखें बह रही थी और फिर भी लोग सड़क के किनारे जब अंतिम यात्रा पर नीलगिरी से, कुन्नूर से, सुनूर से, दिल्ली की उड़ान से पहले लोग इकट्ठा थे, लोग खड़े थे। ये है भारत देश। आपने बिल्कुल सही कहा श्वेता, ये किसी देश का मुखपत्र कुछ अनर्गल बातें लिख ले, लेकिन ये उसी का फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, उसी की कमजोरी दिखाता है। और उसी कमजोरी को उजागर किया था जनरल बिपिन रावत, और उनके आदेश पर भारत की सेनाओं ने किस तरह डोकलाम रहा हो या पूर्वी लद्दाख रहा हो, भारत ने घुटने नहीं टेके, भारत सीना ताने खड़ा है। और आज सड़क किनारे हमारे वीर खड़े हैं, हमारी जनता खड़ी है वही नमन करने के लिए हमारे वीरों को। तस्वीरों को हाथों में लिए, तिरंगे को हाथों में लिए, सब खड़े हैं, सब पूरे रास्ते में। 2 बजे अंतिम यात्रा की शुरुआत हुई और अब बराज स्क्वायर की ओर ले जाया जा रहा है पार्थिव शरीर को, जहां पर अंतिम संस्कार होगा। भीतर जाने की अनुमति नहीं है और कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, सुरक्षा की कुछ जरूरतें होती हैं जिसके कारण भीतर जाने की इजाजत नहीं हो सकती। और जो अलग अलग सेनाओं के जो प्रतिनिधि हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे, वहां पर पूरी तैयारियां हो गई। आम लोगों को मालूम है वो नहीं जा सकते हैं, लेकिन देखिए किस संयम से पहले घर के बाहर प्रतीक्षा की। और अब इस पूरे लंबे सफर को, बाकी गाड़ियों में जरूर है लेकिन ये अपने कदमों से ही वो दौड़े जा रहे हैं आगे की तरफ। कईयों ने कहा, जिन छात्रों से हमारी संवाददाता ने बात भी की, कईयों ने अब कहा कि वो वहां पर एक छात्र के तौर पर या तो कोई आर्मी ज्वाइन करना चाहता है या फिर कोई कुछ और पढ़ाई पढ़ रहा है, लेकिन जनरल रावत की बातों को सुनकर, उनके आइडियाज उन्हें बहुत पसंद आते थे, तो वो एक नजर देखने के लिए यहाँ पर चला आया है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये सारे वो हिंदुस्तानी हैं जो हिंदुस्तान की असली स्पिरिट को दर्शा रहे हैं कि चाहे कुछ आ जाए, चाहे कुछ हो जाए, हम हार नहीं मानेंगे, हम डटे रहेंगे। और हिंदुस्तान में चाहे 1% लोग इस सोच के रहें, लेकिन इन्हीं लोगों के कंधों पर हिंदुस्तान चलता है। और अच्छी बात तो यह है कि 99% लोग इसी आस्था और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं कि हम एक सशक्त राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जनरल बिपिन रावत से आपने कई बार बात की, मैंने कई बार बात की, वो निरंतर ये कहते थे, अगर कोई आपके रास्ते में पत्थर फेंक रहा है, रोड़े अटका रहा है, आप अपना मत रखिए, आप अपना पक्ष रखिए और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते जाइए, वो आपकी बात मानेंगे क्योंकि आप सही हैं। और गौरव, कुछ जो तो चीजें होती थी जो हम इंटरव्यू में कैमरे के सामने उनसे बात करते थे, कैमरे के पीछे इतना सहज व्यक्ति, इतना मतलब एक आर्मी के जनरल जब रहते हैं, रोबीला व्यक्तित्व बहुत था। और अगर आप उनके सिर्फ व्यक्तित्व को देखें तो आपको कुछ समय के लिए लगता कि इनसे मैं पहली बात क्या करूं, लेकिन वो इतना सहज कर देते थे माहौल को। मैं तो चूंकि मीडिया कर्मी होने के नाते उनसे ही अनुमति लेनी होती थी कि हम फला चीज को कवर करना चाहते हैं, बहुत खुलेपन के साथ वो कहते थे आप जरूर जाइए, आप अगर एक अच्छा शो बनाकर हमारे देशवासियों को दिखाएंगे तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि जो सर्वश्रेष्ठ युवा है हमारे देश के वो सब भारतीय सेना में आने चाहिए। जब वो आर्मी चीफ थे उस समय ये कहते थे, सीडीएस होने पर वो चाहते थे कि सबके बारे में आप ये सारी चीजें सामने रखें। और अब जब गौरव हम इंडिया टुडे और आज तक पर वंदे मातरम की सीरीज दिखा रहे हैं तो वो भी सीरियस जनरल बिपिन रावत की परिकल्पना थी। उन्होंने कहा कि तीनों सेनाओं ने जो युद्ध लड़े हैं वो दिखाइए आप। वो यही लगातार कहते थे कि अगली पीढ़ी को मालूम होना चाहिए, 1971 के 50 वर्ष हम मना रहे हैं, और लगातार ये कहते थे कि भावी पीढ़ियों को मालूम होना चाहिए कि हमारे देश की सेना, हमारा देश कितना ताकतवर है। केवल 13 दिनों में पाकिस्तान को 2 फाड़ दिया था 1971 में, 16 दिसंबर, अब से चंद दिन बाद हम उसके 50 वर्ष उस जीत के मनाएंगे। वो चाहते थे कि भावी पीढ़ी को ये मालूम हो, और इसीलिए आज तक पर श्वेता, इंडिया टुडे पर मैं लगातार वो वीरता की कहानियां अपने दर्शकों के लिए ला रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, सड़क के दोनों ओर तिरंगा लिए
लोग खड़े हैं, लोग साथ दौड़ रहे हैं।